भारतीय रिजर्व बैंक चंडीगढ़ द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग से हमीर भवन में वित्तीय साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता उपायुक्त हमीरपुर राकेश कुमार प्रजापति ने की। कार्यशाला में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के अतिरिक्त जिला भर से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि इस एक दिवसीय वर्कशॉप का मुख्य उद्देश्य लोगों को वित्तीय साक्षरता के बारे में जागरूक करना है, ताकि लोग पैसों का लालच देने वाली कंपनियों की ठगी का शिकार होने से बच सकें। उन्होंने कहा कि पूर्व में घरों में चोरी होती थी, परंतु वर्तमान में यही चोरी इंटरनेट पर चली गई है। उन्होंने कहा कि सिवाय बैंक के जिसमें आपका खाता है, किसी को भी फोन पर ना तो अपना बैंक खाता और ना ही एटीएम पिन नंबर बताएं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक चीज के ऑनलाइन होने से व्यक्ति में स्वयं जागरूकता तथा सतर्कता आना समय की मांग बन गई है। उन्होंने कहा कि 21वीं शताब्दी डिजिटल शताब्दी है, इसीलिए लोगों को अपने वित्तीय लेनदेन के बारे में अति सतर्क होने की आवश्यकता है। उन्होंने लोगों को हर स्तर पर डिजिटल लेन देन को अपनाने की आवश्यकता पर भी बल दिया। वर्कशॉप के दौरान डीएसपी रेणु शर्मा ने भी सभी उपस्थित लोगों को जालसाजों से बचने के लिए महत्वपूर्ण पहलुओं की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बैंक खाते तथा एटीएम से संबंधित किसी भी प्रकार की फोन कॉल आने पर जानकारी न दें तथा सही जानकारी के लिए व जमा पैसे की सुरक्षा के लिए अपने बैंक शाखा से ही संपर्क करें। आज हमीर भवन में फाइनेंशियल अवेयरनेस को लेकर आरबीआई द्वारा एक वर्कशॉप रखी गई थी, जिसमें लोगों को बताया जा रहा है कि आज जो डिजिटल जमाना है, जिसमें स्मार्टफोन और इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, उसमें कैसे धोखाधड़ी से बचा जा सके। और ये मैसेज हमारा गाँव तक पहुँचे, क्योंकि आने वाला वक्त हमारा डिजिटल है और ऐसे में लोगों के पास ये जानकारी उपलब्ध होनी चाहिए। आज हम यही बताने की कोशिश कर रहे थे कि ये जो धोखाधड़ी के मामले हैं, किसी भी व्यक्ति के साथ हो सकते हैं, चाहे पढ़ा लिखा हो या फिर इलिटरेट हो। ज़रूरत है कॉमन सेंस इस्तेमाल करने की। उसके अलावा जो हमारे पास ढांचा है, जो पुलिस के माध्यम से, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग के माध्यम से हम इन मामलों का जांच पड़ताल कर रहे हैं, उसकी भी अपनी एक लिमिटेशन है। तो इसमें हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि इससे पहले बचा जा सके। अगर हम बचते हैं, यही सबसे बड़ा हमारा ध्येय रहेगा इसमें। इस दौरान आरबीआई चंडीगढ़ के डीजीएम ने भी उपस्थित अधिकारियों तथा कर्मचारियों को बैंकिंग तथा नॉन बैंकिंग से संबंधित महत्वपूर्ण पहलुओं की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ऐसी कंपनियों से भी सतर्क रहें जो बैंक की तुलना में अधिक ब्याज का लालच दे रही हो। ईमेल, एसएमएस, कुरियर के माध्यम से उपहार भेजने वाली कंपनियों को अपने बैंक खाते एटीएम पिन नंबर न बताएं और न ही गलती से उनके कहने पर उनके द्वारा बताए गए बैंक खाते में पैसे डालें। इस दौरान लोगों को 50, 100, 500 तथा 2000 रुपए के नोट के असली होने की बारीकियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इस अवसर पर जिला कार्यक्रम अधिकारी वंदना चौहान समस्त सीडीपीओ आरबीआई चंडीगढ़ के एजीएम आर के जोल्टा भी मौजूद रहे। आपके पास एसएमएस आता है और एक कॉल आता है, उस वो वॉइस इंटरएक्टिव कॉल है, आप उसमें कॉल बैक कीजिए, वो कट जाएगा, वहां से फिर आपको कॉल आएगा, वो आपको बताएंगे कि आपको मतलब क्या अवॉइड आपको करना चाहिए। बेसिकली ये सब जो धोखाधड़ी का जो ईमेल वगैरह आता है, इसको अवॉइड करने के लिए आता है। तो हम लोगों का ये हमेशा प्रयास रहता है कि आप लोगों को जागरूक करें बहुत सारे माध्यम से, जहां जहां पॉसिबल हो सकता है। तो इसमें जो है, आप जानते हैं कि आरबीआई का जो पैसा है वो पब्लिक मनी है, आप लोगों का ही पैसा है, तो इसमें पैसा भी बहुत खर्चा होता है ऑल इंडिया बेसिस पे ये सब करने के लिए, आप लोगों को अवेयर करने के लिए। तो इसका अगर फायदा नहीं होगा तो फिर आपका ही पैसा जो खर्चा हो रहा है, इसका फिर क्या फायदा है। करने का कोशिश करते हैं, तो इसमें आप लोगों की सहयोग जो है वो बहुत जरूरी है। जितना हम कम करें, उतना हमारे जो है स्टेट मशीनरी है जो है, उनके जो कोर फंक्शन है वो कर सकते हैं, अपने काम में ध्यान रख सकते हैं और हम सब खुश रह सकते हैं।